खतीबे पाकिस्तान बुलबुल गुलस्तान कुरान सुन्नत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब खिताब फरमानगे। अस्सलाम अलैकुम। الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين واجب الاحترام سامعین محترم अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमेन सैयदुस्साकलेन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते साहिबो और अजीज साथियों अल्लाह खालिक व मालिक दी मेहरबानी और करम नवाजी नाल
जिस मुहब्बत और जिस जौक नाल तुसी हजरात अल्लाह दे घर अंदर तशरीफ फरमा हो, मालिक दे हुजूर दर्द दिल ना ये दुआ फरमाना, अल्लाह साडा सब दा आना बैठना अपने दरबार अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। और जिस मुहब्बत दे नाल जमात दे अजीम खतीब मुबल्लिग और जमात दे मरकजी रहनुमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आरफ असरी हफिज़हुल्लाह और नौजवान मुबल्लिग खतीब मौलाना हाफिज़ मुअज़्ज़म आरफ असरी हफिज़हुल्लाह और इन्हां दे रुफ़क़ा इस प्रोग्राम दा इंतजाम व इहतमाम कीता। अल्लाह इन्हां दी इस कावश मुहब्बत और कोशिश नो शर्फ़े कबूलियत दे नाल हम किनार फरमाए। आम दुनिया दे लोगां दा आम इंसानां दा और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दा एक खास फर्क हुंदा है। कि आम लोगां दी तरबियत वालिदैन करदे ने, मां बाप ना होए चाचे ताए मामे करदे ने, वरना कोई खानदान दे बजुर्ग करदे ने। नबी दा फर्क ये वे कि नबी दी तरबियत शुरू तो लैके खुद रब्बुल आलमीन आप फरमांदे ने। यही वजह कि सैयदना जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू तो लैके फिरौन दे घर तक अल्लाह ने आप नूं पहुंचाया, हर कदम ते अल्लाह ने आप दी हिफाजत भी फरमाई है और आप दी निगरानी ते तरबियत भी फरमाई है। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तदा तो लैके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आप दी निगरानी भी फरमाई है और आप दी तरबियत भी फरमाई है। वरना तुसी देख लो कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इलम भी दिता होए, बड़ी शख्सियत और बड़ी हस्ती दा बेटा भी होए, हुस्नो जमाल दा पैकर भी होए, तो ओ ही बंदा बच सकता है जिन्हों अल्लाह अपनी खास रहमत नाल बचा लैन। भरावां ने खूच सुटिया, नगरानी खुद रब फरमा रहे ने, रब्बुल आलमीन ने खास रहमत फरमाई, खूह चो कढ़े है, मिसर दियां मंडियां चो विक दे अजीजे मिसर दे घर चले गए। हिफाजत करने वाला कौन है? हौली हौली बोलिया जे, कौन है? थोड़ा जो होर हौली बोलो, मीह पैन लग पिया, कौन है? हिफाजत करने वाला अल्लाह, निगरानी भी करने वाली जात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दिए। अजीजे मिसर दे घरों निकले ते जेल तक पहुंचे, नगरानी रहमान फरमा रहे ने।
वरना इन्ना हुसनो जमाल होए और जिन्हों आंदे ना खुदा जब हुसन देता है नजाकत आ ही जाती है, हसीन भी होए खूब रूह होए और फिर जनाब होए भी बड़ी शख्सियत दा बेटा ते फिर रब भी बचाए ते बच सकदा। मिस्र दियां मंडियां चो अजीजे मिस्र दे घर पहुंचे ते इथों निकले ते जेले चले गए ते जेल तो निकल के डायरेक्ट मिस्र दे हुक्मरान बन गया। नगरानी भी रब फरमा रहा ने ते तरबियत भी अर्श वाला खुदा फरमा रहे है। नबी दा फर्क है वे के नबी दी डायरेक्ट तरबियत अल्लाह दुल जलाल वाली कराम फरमांदे ने दूर ना जाओ मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अजे दुनिया ते आए ही नहीं ते आप दे वालद गिरामी दुनिया तो रुखसत फरमा गए ने। आप नू बाप दा साया तक देखना नसीब नहीं होया। पैदा होए 5-6 साल की उम्र है मां भी दुनिया तो रुखसत फरमा गई। अजे 8 साल की उम्र नू नहीं पहुंचे ते दादा भी दुनिया तो रुखसत हो गया। ते कुर्बान जा हस्ती ए भी ऐसी है कि जिस जैसा रब ने बनाया कोई नहीं। सिर ते समझान वाला बाप कोई ना होए मां कोई ना होए ते फिर नौजवान नवा खून ताजा खून बहुत सारे रस्तियां दे मुसाफर बन जाते ने। पर मैं कुर्बान जावा ये जात कोई आम जात नहीं, ये हस्ती कोई आम हस्ती नहीं। इन्हां दी नगरानी ते तरबियत खुद अल्लाह दुल जलाले वाली कराम फरमा रहे ने। ता वक्ते के अल्लाह ने आप दे सर पाक ते नबुव्वत दा ताज रखे है। और इब्तदा दे अंदर मैं जिस आया मुबारका दी तिलावत कीती है इहदे अंदर रब्बुल आलमीन ने जद्दुल अंबिया सैयदना जनाब खलील रहमान अलैहिस्सलाम आप दा तज़किरा फरमाया और इसे वास्ते वाज़े अल्फाज दे अंदर ऐलान कीता। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने वाला कद आतैना इब्राहीम रुश्दहु वाला कद आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन कबलो वकुन्ना बिही आलमीन। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने असा शुरू तो लैके इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्फाज ते जरा गौर करो ना आतैना रुश्दहु मिन कबलो पहले दिन तो लैके शुरू तो लैके असा अपने खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सीधे राय रखे आए। अतला अल्लाह क्योंकि असी जानदे सा के असा इनू नबुव्वत दा ताज पहनाना है। सुभान अल्लाह ते जिन्हों रब्बुल आलमीन ने नबुव्वत और रिसालत दा ताज अता फरमाना नगरानी उन्हां दी अल्लाह जुल जलाल शुरू तो आप फरमांदे ने। बल्कि मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे पीर और मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के वाले दियां बकरियां चारण डे ने। सुभान अल्लाह नाल और भी मक्के दे साथी ने आप दे माशरे दे शहर दे लोग नौजवान आप दे हम उमर ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां साथियां दे हमरा मक्के वाले दियां बकरियां चारिया करदे ने। मक्के दे अंदर एक मेला लगदा बड़ा पुराना ते इन्हां आपस दे अंदर प्रोग्राम बना लिया। कह लगे यार जे सारे जाइए ते बकरियां कौन चारेगा कौन इन्हां दा ध्यान रखेगा। इस वास्ते जरा ड्यूटियां तकसीम कर लईए। एक दिन दो साथी चले जान ते ओ जिन्नी कारवाई होए ओ दूजियां नू आके सुनान। अगले दिन ओ बकरियां दा ध्यान रखन ते दूसरे चले जान। हुण एक दिन वारी आ गई मेरे मुहम्मद मुस्तफा
मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात इमाम अलैहि सलातो वसलाम भी तशरीफ लागा ते रा जांदिया ना रा जांदिया एक दरख्त दे साए थले गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो कहन लगे आओ ना जरा सा ले लईए जरा सस्ता लईए ते फिर मक्के जावांगे जाके मेला शेला वेखांगे लम्मे पै ते मुस्तफा सौंग लम्मे पै ते प्यारे पैगंबर अली सलाम नू नींद आ गए। अच्छा हुण जिहड़े यार सज्जन हुंदे ने ना शरारत भी करदे ने नाल दे साथियां नू शरारत सुझी उहनां आखिया इहनू सुता रहण दिओ असीं मक्क्यों हो के आ जांदे आ इहनू इंज ही सुत्या रहण दिओ ओए इहनां कमलियां नू इह ते पता ही नहीं आप नहीं सुते अर्श वाले ने सुआ दिता है हुजूर आराम फरमा रहे ने हुण ए चले गया मक्क्यों मेला शेला वेख्या माहौल वेख्या वापस आए हुजूर अली सलाम अजे भी महवे इस तराहत ने यार सज्जन आके उठांदे ने उठ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेला वेखना ते तेरी किस्मत विच ही नहीं से हाला इन्हां कमलियां नू पता नहीं कि इन्हां नूं बचाण वाली जात कौन है अल्लाह जुल जलाल दी जात जिन्हें शुरू तो लैके मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दी तरबियत फरमाई और लोकां नूं दस्या मेरा नबी मेले ठेले वेखण वाला ने मेरा नबी इंज दियां खराफात वाले कम्मां ते जान वाला ने मेरे भाई मेरे बरादर यानी शुरू तो लेके नबी हर नबी दी तरबियत खुद अल्लाह जुल जलाल वली कराम आप फरमाया करदे ने हुण जनाबे इब्राहीम अलैहि सलातो व सलाम एक गल होर भी है कि इन्ना शान इन्ना मर्तबा इन्ना इज़्ज़त और इन्नी इज्जत ते अजमत के सैकड़ों साल हो गया ने जनाबे खलील दुनिया तो तशरीफ लै गया ने ओए अज तक मस्जिद हर मस्जिद के अंदर हर मस्जिद के हर मेहराब के अंदर हर मदरसे के अंदर बल्कि हर मोमिन ते मुसलमान हर खतीब दी ज़बान ते बल्कि मैं ते इस तो भी अगे बढ़ना हर मुसलमान दी ज़बान ते मेरे खलील दी अजमत दे रब ने तराने जारी फरमा दिते आप पढ़ते नहीं जे जबान तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आज तक खलील रहमान अलैहि सलाम दा नाम दुनिया ते गूंजदा है पिया आप दे चर्चे ते तज़करे आज तक दुनिया ते हो रहे ने इस वास्ते दोस्तों हुन रब्बुल आलमीन जो तरबियत आप फरमा रहे ने नबुव्वत और रिसालत दा ताज भी अपने प्यारे खलील अलैहि सलाम दे सर पाक ते रखे है ते नाल हुन रब्बुल आलमीन ने ना एक भारी जिम्मेदारी खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दे खाते पा दी है और ऐलान फरमाया अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इज काल लहू रब्बुहु अस्लिम
اے میرے خلیل جی اے میرے ابراہیم جی اسلم فرما بردار بن جاؤ تابع دار بن جاؤ تے اے نہیں آکھے اچھا پھر مینوں امی نا مشورہ کر لین دیو ابو نا صلاح کر لین دیو مینوں ذرا گھر مشاورت کر لین دیو نا 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 خلیل فرماندے نے اسلم تو لرب العالمین جی میں اپنے مالک تے اپنے خالق دا تابع دار بن گیا ہوں بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا ہوں اللہ ذوالجلال فرماندے ہوں گے اے میرے پیارے ابراہیم جی اے کام اوکھا بڑا اے اے میدان مشکل بڑا اے آ جڑا تسی وعدہ کرن دے ہو نا اسلم تو میں فرما بردار بن گیا پیارے اس رستے دے اندر رکاوٹاں بڑیاں آن گیاں اس رستے دے اندر ازمائشاں بڑیاں آن گیاں اس رستے جو پریشانیاں دا سامنا کرنا پے گا اے میرے پیارے خلیل جی گھر چھڈنا پے گا وطن چھڈنا پے گا خاندان تے برادری دی مخالفت مل لینی پے گی وقت دے حکمران دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کلمہ حق کہنا پے گا اگ وچ اپنے آپ نو سٹانا پے گا پتر دے گلے تے چھری چلانی پے گی پر میرے پیارے خلیل جواب دین دے نے اے میرے مالک جی حالات جیسے بھی نے اسلم تو لرب العالمین اور پھر خلیل نے منن دی انتہا کر دیتی ہے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لے پیاریا پھر ہن آغاز کر لے دعوت دا آغاز یا اللہ میں حاضر ہاں شروع کتھوں کراں فرمایا کروں کر کوئی کال نو اے نہ کہہ سکے بھائی اپنا گھر تے سنبھال جا کے اپنے پیو نو سنبھال اپنے گھر نو سنبھال کوئی اے نہ کہہ سکے اپنی حجت تے پوری کرو نا کرو شروع کرو جی میں حاضر ہاں باپ نو سامنے بٹھا کے فرماندے نہیں یا آباتے نوجوانوں ایک گل ذہن دے اندر بٹھان والی ہے جناب خلیل علیہ السلام دا انداز بڑا مؤدبانہ ہے انداز بڑا شائستہ ہے انداز بڑا پیارا ہے یا آبات لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے ابا جان آ کنا دی عبادت کر دیو آ مٹی دیاں پتھراں دیاں لکڑاں دیاں اے جڑیاں مورتیاں تساں بنائیاں نے ابا جی جنا دی عبادت کر دیو جنا دے سامنے جبینے نیاز رکھ دیو لے متا بودو مالا یا سماو ابا جی اے سن دے بھی نہیں والا یو بسرو ابا جی اے ویندے بھی نہیں والا یو غنی ان کا شئی اچھا ایک گل جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہور بھی کیتی ہے فرماندے نہیں یا آباد انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا ابا جی وڈے تسی ہو میں چھوٹا ہاں تسی باپ ہو میں تہاڈا بیٹا ہاں پر ابا جی ایک گل یاد رکھو جیڑا علم میرے کول آیا ہے وہ تہاڈے کول نہیں اے جیڑی گل اسی کہہ چھڑنے ہاں نا لے چھاڑیاں داڑیاں تھپے بہ کے والا چٹیاں ہو گئیاں نے تسی کل دے جمے آ سانو حدیثاں سنان لگے ہو سانو ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگا
साढ़े वे एवं ही मर गया ने जिन्होंने मसलियां ही पता नवे जम के तुम आते हो फलानी अधीस है फलानी अधीस है। गल सुन वाली है जेह च रखने वाली है जरूरी नहीं जिदी इलम जिदी उम्र बहुती होए ओदा इलम भी बहुता होवे कोई जरूरी नहीं। ए मेरे मालिक दे फैसले ने अल्लाह चाहे ते बच्चिया नू ओ इलम अता फरमा दे जेड़ा बड़िया नू अता नहीं फरमाया। एक दिन नबी पाक तशरीफ फरमा ने जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा सहाबा बैठे ने नबी अलैहिस्सलाम और कुर्बान जावा ऐसा मुअल्लिम ऐसा उस्ताद जिन्हां दे बारे मैं कहा करना उस उस्ताद जैसा कायनात अंदर उस्ताद कोई नहीं ते उन्हां शागिर्दां जैसा कायनात अंदर शागिर्द कोई नहीं। सहाबा तशरीफ फरमाने आका जलवा फरोज ने नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सहाबियो ए भी जेनी इम्तिहान हुंदा जे उस्ताद अपने शागिर्दां दे लैंदे ने जिन्हों गैर निसाबी सरगर्मियां कह सकने गैर निसाबी सरगर्मियां। नबी अली सलाम फरमाते ने सहाबियो जी आका फरमाया दसो हाँ पता तुहाडे चो किसे नूं कि केड़ा दरख्त आम रूटीन च वे कि जदों मौसम खिजां शुरू हुंदा है ते आहिस्ता आहिस्ता दरख्तां दे पत्ते सुक जांदे ने झड़ जांदे ने फिर मौसमे बहार शुरू हुंदा है फिर नई कौंपलां फुटदियां ने नए पत्ते निकलदे ने नए सिरे दरख्तां ते रौनक ते बहार पैदा हो जांदी है। आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने दसो हां केड़ा दरख्त जिदे पत्ते मौसमे खिजां विच सुकदे नहीं झड़दे नहीं। हुण सहाबा खामोश ने हुजूर ने पूछया सहाबा खामोश ने हुण अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने आप फरमांदे ने ओ दरख्त खजूर दा ए कद है ओ बोलो मैं केड़ा फारसी बोलन दिया कद है खजूर दा दरख्त इहदे पत्ते सुकदे नहीं झड़दे भी नहीं। मजलस बर्खास्त हो गई सैयदना जनाबे फारूक आजम रसी अल्लाह तआला अनु घर तशरीफ लै गया बेटा हजरत अब्दुल्ला रसी अल्लाह अनहो ये भी चले गए प्यो पुत्र दोवें बैठे ने ते बेटा वादा की आंदा है अब्बा जी जदों अल्लाह दे पाक पैगंबर ने यह सवाल किया से फौरन मेरे जेन विच आ गया सी ओ खजूर दा दरख्त सी मेरे सेन च आ गया खजूर दा दरख्त। हजरत उमर फरमांदे ने बेटा जे तैनू पता लग गया सी ते फिर तू बोल के दस्या ते सही जे तू दस देंदा ते मेरी इज्जत विच इजाफा हो जाना सी। ए पता दे ना जवान बेटा होवे बेटा कुरान दा कारी होवे बेटा कुरान दा हाफिज होवे बेटा जमात दा खतीब होवे जिमें जिमें पुत्र दी इज्जत वधदी जांदी है नाल मापिया दी इज्जत विच इजाफा हुंदा जांदा है जिमें जिमें शागिर्दां दी इज्जत वधदी जांदी है ओवें ओवें नाल उस्ताद दी इज्जत विच इजाफा हुंदा जांदा। जनाबे उमर फरमांदे ने बेटा तू दस छड़िया ना लै छड़िया ते मेरी इज्जत वध जानी सी इत्थे बाप दी सोच ना मेरी कौम दियो नौजवानों एक मेरे तुहाडे समझन ते सोचन वाली गल भी है। जनाबे अब्दुल्ला दा जवाब भी बड़ा प्यारा आंदे ने अब्बा जी मैं ता नहीं सा बोलिया किते लोकी ए ना आखन प्यो नू पता नहीं ते पुत्र नू पता लग गया अब्बा जी किते तुहाडी इज्जत विच फर्क ना पै जाए इत्थे ते जिन्हों चार लफज बोलने आ जा ओ प्यो नू भी आंदा जी मैनू हजरत साहब बुलाया करो कह के मैनू अलामा साहब कह के बुलाया करो मैनू शेख साहब ते खतीब साहब कह के बुलाया करो पर मैं कुर्बान जावां बाप
ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਬਹੁਤਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਬਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਮਜਲਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਰੁਕਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਕਾਨ ਸ਼ੂਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਬਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਨੇ ਮਜਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬੀਓ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਕੋਡ ਵਰਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰ ਇਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਆਬਤ ਇੰਨੀ ਕਦ ਜਾਨੀ ਮਿਨਲ ਇਲਮ ਮਾ ਲਮ ਯਾਤਕਾ ਫਤਵੇਨੀ ਅਹਦਕਾ ਸਿਰਾਤਨ ਸਵੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪਨੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਹੈ, 100% ਤੋਂ ਬੜ ਕੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਈਨੁਲ ਯਕੀਨ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏ 100% ਪੁਖਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਆਰੇਨੀ ਕੈਫਾ ਤੁਹਯਿਲ ਮੌਤਾ,
रब्बे आरे नी कैफा तो मौता काला अवलम तो मिर काला बला वला किल्ले यत्म इन कल्बी काला फखुश अरबातम मिन तैर फसुर हुन्ना इलैये सुम्मा जाल अला कुल्ले जबल मिन हुन्ना जुजान सुम्मा दुहुन्ना यादी नगसाया वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम। ए मेरे मालिक जी आरेनी कैफा तुहिल मौता अल्लाह जी मिनू बखाओ हां तुसी मुर्दे किवें जिंदा कर दे हो। इनू आंदे ने ऐनुल यकीन। ए प्यारे इब्राहिम आवालम तो मिन तुहानू यकीन नहीं बला जी यकीन ते है वे पर मैं लोकां दे सामने जाना लोकां नू हक दा पैगाम सुनाना ते मालिक सोनिया मैं अपने अखी वेखना चाहना वा वला किल यत्मा इन कल्बी। अल्लाह जी मैं अपने दिल दे इत्मीनान ते सुकून वास्ते अखी वेखना चाहना तुसी मुर्दिया नू किवें जिंदा कर दे हो। ते फिर मेरे रब ने वखाई दिता किंज वाला अल्लाह फरमांदे ने चार परिंदे लीलाओ जी लीलैन फिर मैं हुण इन्हां नूं अपने नाल मानूस करो हिला लो जिवें आ कई लोगों ने कबूतर पाले हुंदे ने कबूतरबाजा नूं पुछो हां कबूतरां दी कीमत कैसी हुंदी जिवें कबूतर पाले हुंदे ने कईआं ने तोते पाले हुंदे ने या इस किस्म दे परिंदे चार परिंदे लीलाओ उन्हां नूं अपने नाल चंगी तरह हिला लो कई नाम लैके बुला दे अजकल वेंदे नहीं कुरबानी दे दिन करीब आ गए ने बल्कि समझो आई पई है अल्लाह खैर खैर ना लै आमीन ते कह दो आमीन कह दो। कल दा दिन रह गया नबी अली सलाम ने फरमाया तकबीरात ज्यादा आख्या करो हर वक्त जबान नू तर रखिया करो तकबीरात तहलीलात तस्बीहात तमजीदात अपनी जबाना नू तर रखिया करो। ते मैं कुर्बान जावा अल्लाह दे पाक खलील अलैहि सलातो वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी आपने अपने इन्हां परिंदियां नू अपने ना हिला लिया। अकईयां ने सांभे हुंदे ने ऊंट उन्हूं आंदे ने लम्मे पै जा तेरी कुर्बानी करन लगे वो लम्मे पै जांदे वो सिखाया हुंदा है ना। कई ने बकरे इंज दे सांभे हुंदे ने बकरे नूं आंदे ने तैनू अल्लाह दे राज ज़बा करन लगे आ लम्मे पै जा वो आपे ही लम्मे पै जांदा है यानी जान बल्कि मैं आना और कई पड़व्या इंसानां नालों जानवर बहुते सियाने हुंदे जेड़ा बंदा अपने खालिक ते मालिक नूं ना पहचान सके वह भी कोई इंसान है। छतरा बाजार लैन जाओ मंडियों ते सौदा करके उन्हों घर नूं लै के टुरो हिलदा ही नहीं मुंडे ने अगों रस्सी फड़ी है उन्हें कन्ना तो फड़िया हिलदा ही नहीं अबे उन्होंने पिछलियां लत्तां चुके सैकल बना के रेहड़ी ले जांदे ने बड़ा औखा घर उन्हों लै के गए ने रक्षे ते रख के लै गए गड्डी च रख के लै गए पैदल लै के गए एक दिन उन्हों पट्ठे पाए दो दिन पाए चार दिन पाए हफ्ता को पट्ठे पाए जेड़ा हिलदा नहीं सी हुण मालक अगे अगे ते लेला पीछे पीछे अठा दिन च लेला पहचान गया ए मेरा मालक है। और जालिमा तू 60 साल गुजार ले 70 साल गुजार ले 80 साल गुजार ले ते तैनू 80 साल च पता नहीं लगा मेरा मालिक कौन है। दुआ करो अल्लाह सानू अपना मालिक पहचानन दी तौफीक नसीब फरमा दे। खलीलुल्लाह अलैहि सलाम नू फरमाया इन्हां नू अपने नाल चंगी तरह हिला लो जी ठीक हो गया फरमाया हुण इन्हां नू ज़बा कर दियो ज़बा कर दिता
इन्हों का गोश्त कीमा बना दो जी बना दिता है। हुण इन्हां चौवां परिंदियां दीयां सिरियां अपने कोल रख लो ते इन्हां दा गोश्त जिहड़ा अलहदा अलहदा पहाड़ां दीयां चोटियां ते थोड़ा थोड़ा रख दियो जी रख दिता। फरमाया हुण इंज करो हुण एक सिरी मिसाल दे तौर ते कबूतर दी सिरी फड़ के उहदा नाम लैके उहनूं आवाज दियो जनाब खलील ने इंज सिरी उहदी फड़ी है आवाज दी नाम लैके इन्ना को गोश्त इधरों उड पिया कुछ इधरों उड पिया कुछ उस पहाड़ तो उड पिया कुछ इधरों उड पिया ये इकट्ठा हो गया परिंदा बन गया सिरी दे नाल आके लगा ते मुकम्मल होके परिंदा उड़ना शुरू कर देंदा। वाला किले यात्मा इन कल्बी काला एक किस्सा नहीं कहानी नहीं कुरान कह रहा। वाला किले यात्मा इन कल्बी काला वा खुश अरबातम में न तैर फसुर होना इलाइक सुम्मा जाल अला कुल जबल मेनो होना जोजा अगे हकुल यकीन सी ईमान ऐसी यकीन ऐसी कि रब्बुल आलमीन दा पैगाम बर हक के रब दा ऐलान बर हक के जन्नत बर हक के जहन्नम बर हक के और जिंदा ते मारन वाली जात बर हक के अगे सी हकुल यकीन हुण हो गया एनल यकीन हुण अखी वेख लिया। और ताही ते जदो नमरूद दे दरबार च आप तशरीफ लै गया ना ते नमरूद कहन लगा इब्राहिम रब रब जो करदा रहना ते वाला दस खां तेरा रब कौन है तेरा रब कौन है। ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया से मेरा रब ओ वे जेड़ा जिंदा भी करदा ते जेड़ा मारदा भी है। ओ गल लगा ए केड़ी एडी वड्डी गल ए ते काम मैं भी कर सकना वा। अच्छा भाई तू किवें कर सकना है। बड़ा चलाक हुशियार बंदा सी। दो कैदी बुलाए एक नू सजाए मौत दा हुक्म सी एक नू आजादी का हुक्म सी। जिन्हों आजादी का हुक्म सी ओनू फड़ के कतल करवा दिता जिन्हों सजाए मौत का आर्डर सी ओनू आजाद कर दिता। कह लगा वेख इब्राहिम मैं जिन्हों चावा मरवा छड़ा जिन्हों चावा जिंदा रख ला। अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम एडे दाना एडे सियाने और नबी जैसा अकलमंद और हो भी कौन सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस खैड़ ही नहीं पै भाई की एवं वक्त जाया करांगा लोकी गलत फहमिया च मुबतला ना कि हो जाए ते गल पूरी पूरी समझानी चाहिदी। इस पासे ही नहीं पै भाई तू मार सकना है कि नहीं इंज नहीं मारी दा इंज नहीं जिंदा करी दा इस पासे ही नहीं पै। अल्लाह दे प्यारे खलील अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अच्छा फिर इंज कर। अगला एक बुगदर नबी ने सुट दिता ऐसा सुटिया कि जिन्हों चुकन दी ओदे विच ताकत रही बोलो ताकत रही। अल्लाह दे खलील अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अच्छा गल सुन मेरा रब सूरज नू मशरक तो चाड़दा अज दी गल नहीं सैकड़ों साल हजारां साल बीत गया ने मेरा रब सूरज नू हमेशा मशरक तो चाड़दा फाते बेहाव में नाल मगरब जे तू अपने प्यो दे ते मगरब वालों चाड़ के वखा जे तेरे को ताकत है तेरे च हिम्मत है जुर्रत है तेरे च अखलाकी तकाजा है वे फाते बेहा में नाल मगरब तू मगरब वालों चाड़ के वखा फा बोहे तल्लाजे कफर चल दी जबान बंद हो गए पता ए लगा जिदे कोल हक होए दे दलाइल दा कोई मुकाबला कर सकदा मुकाबला कर
हर कोई नहीं सकदा। और मैं कुर्बान जावां ए होई ते वजह हुण मेरे प्यारे खलील अलैहि सलातो व सलाम आप नूं अल्लाह ने इज्जत नाल अजमत नाल शान नाल ऐसा नवाजे आए कि नबुव्वत दा ऐलान करन तो बाद फिर अल्लाह जुल जलाल ने इम्तिहान दर इम्तिहान हर इम्तिहान खलील ने दिता। बल्कि मैं ते कहा करना वा एक पेपर चो अजे पूरी तरह निकले ने दूसरा पेपर आ गया, एक इम्तिहान चो अजे निकले ने दूसरा इम्तिहान आ गया है। ते हर इम्तिहान ते हर पेपर चो 100% नंबर लैके कामयाब होए ने, 100% तो वध नंबर लैके मेरे खलील हर पेपर चो हर इम्तिहान चो कामयाबियां ते कामरानियां हासिल फरमाइया ने। हुण अंदाजा फरमाओ ना, बाप नू दावत दीती है ते बाप ने ठुकरा दीती है, कौम नू दावत दीती है कौम ने ठुकरा दीती है, वक्त दे हुक्मरान तक पहुंचे ने दावत हक सुनाई है, वक्त दे हुक्मरान ने ठुकरा दीती है। हुण बाप भी कौम भी हुक्मरान भी ये सारे खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दे दुश्मन आप दे मुखालिफ बन चुके ने। कहन लगे ओए एक मुंडा नहीं साडे कोलो संभालिया जांदा ए इब्राहिम दा नाम, इहदे दलाइल इन्ने कवि ने, इहदे दलाइल इन्ने पुख्ता ने, इहदे दलाइल दा साडे को मुकाबला नहीं। ते हुण करना की चाहिए? आंदे ने हर को हो वन सोरु आले हतकुम इन कुन तुम फाइली, एनु साड़ दियो एनु जला दियो अगर तुसी अपने इलावा दी मदद करना चाहते हो। गुजरां वालियो जेड़ा इलाह होवे ओ मदद करदा करवांदा, बोलो करदा करवांदा, जेड़ा इलाह हुंदा ओ खिलांदा आप खांदा नहीं, जेड़ा इलाह हुंदा ओ सोंदा आप सौंदा नहीं। ए आंदे ने अपने इलावां दी मदद करो, अल्लाह तेरा शुक्र है असा तैनू इला मन्या, जेड़ा मदद करदा आ मदद करवांदा नहीं। मैं कुर्बान जावां कौम सारी इकट्ठी हो गई है, आंदे ने हुण की करिए, नहीं संभालिया जांदा, दलाइल दा जवाब रह कोई नहीं गया। और एक गल ज़हन दे अंदर रखो कि सवाद आज़म ओ नहीं हुंदा जेड़े जी ज्यादा होण अफराद ज्यादा हो, और सारा जहान एक पासे होए और फर्दे वाहिद एक पासे होए, हक दे दलाइल जिदे कोल होंगे सवादे आजम ओहो ही होवेगा। सवाद आजम ओ हुंदा जिदे कोल हक होवे दलाइल मजबूत हो। मेरे खलील अलैहि सलाम कल्ले ने कौम सारी बरादरी सारी हुक्मरान एक पासे ने, आंदे ने नू साड़ दियो अग बलन दईए, ते खलील नू मिंजनीक बैठा दिता गया, सुट दियो आगे सुट दियो। या अल्लाह तेरे खलील नू साड़ देंगे? फरमाया नहीं। या अल्लाह अग बलन डई है? फरमाया फिर केड़ी गल है? या अल्लाह सुटन लगे ने? फरमाया सानू भी पता है। अल्लाह फिर तुसी मीह पा दोगे ते अग बुझ जाएगी? फरमाया पानिया नाल ते अगां रोज ही बुझदियां ने। अल्लाह जी फिर हनेरी चला के अग बुझा दोगे उड़ा दोगे? फरमाया पानिया नाल बुझदियां ने, हवावां नाल अगां बुझदियां रहिंदियां ने। अल्लाह फिर खलील बचेगा किवें ते अग बुझेगी किवें? अरशां तो आवाज आउंदी है मेरी कुदरत दा पता तद लगना, अग बलदी वीर ते खलील नू आखे भी कुछ ना।
मेरी कुदरत दा पता ते इंज लगेगा, अग बलदी वी रह ते मेरे खलील नू आखे भी कुछ ना। हां अग बलन डई है, खलील नू सुटन लगे ने, सज्जे वेख्या ते दुश्मन ने, खब्बे वेख्या ते दुश्मन ने, इंज सामने नजर पईआं ते सका प्यो भी दुश्मना दी सफ विच खड़ा है। गुजरांवालियो एहो जिहा मौकियां ते बड़े बड़िया दिया हिम्मतां जवाब दे जांदियां ने, बड़े बड़िया दे पीते पानी हो जांदे ने, बड़े बड़े जेड़े ने ओ घबरा जांदे ने, परेशान हो जांदे ने। आ जाके यही ते बंदे नूं उम्मीद हुंदी है, बंदा आंदा यार चलो सारा पिंड छड़ जाए, मेरी बरादरी ते मेरी कंड ते वे ना। अच्छा बरादरी भी छड़ जाए, मेरे मां जम्मे भरा ते मैनू कंड नहीं वखान लगे। अच्छा जिंदगी जैसे मोड़ भी आउंदे ने, मां जम्मे भरा भी कंड वखा जांदे ने। चलो मापिओ कमापे ते नहीं ना हुंदे, मापे ते नहीं ना औलादा नूं छड़िया कर दे। ते इत्थे मंजर ही कुछ अजीब, सका प्यो भी दुश्मना दी सफ विच खड़ा, ते मेरे खलील ने हिम्मत हारी नहीं, हौसला नहीं टूटा, आसमान वल नजर उठा के फरमांदे ने हसबे अल्लाह। मैनू मेरा अल्लाह कल्ला ए काफी है, अग बलन डई है। हदीस पाक चाहुंदा है एक किरला फूका मारन डे, हदीस दी नबी अली सलाम दी जबान नबुवत दे अल्फाज, किरला किरला वेख्या जे किरला आंदे नहीं, फलाना एवें ही किरले वांगू आकड़दा रहिंदा है, किरला फूका मारदा अग बालन वास्ते। किरलिया दी फूका नाल भी कदी अगां बलियां ने, किरला फूका मारदा अग बालन वास्ते। ते सईद उल फतल्ला उहदी कबर नूं मुनव्वर फरमाए, उन्हां बतौरे हिकायत दे जिवें साधी दियां हिकायत मशहूर ने ना, समझाण वास्ते बतौरे हिकायत दे फरमांदे ने, किरला फूका मारदा सी अग भड़कान वास्ते बालन वास्ते, ते निकी जे के चिड़ी चुंजा भर भर के चिखाते पानी सुटन डई है अग बुझान वास्ते। हालांकि ओदियां फूकां नाल अग बल नहीं पैनी, एदियां चुंजां दे पानी नाल अग बुझ नहीं जाने, फर्क सिर्फ इन्ना ओदे हिस्से बदनामी आउनी सी, एदे हिस्से नेक नामी आउनी सी। ए पानी दियां चुंजा भर भर के चिखाते पांडे ते मौला ने ना अपने अंदाज तर्जमा कीता, तोता हस के चिड़ी नू कहन लगा, नी चिड़िए एकी खेखन जगा रही है, किन्नी देर होई तैनू वेख रहा वा, कदी आ रही है कदी जा रही है, बलदी चिखा उत्ते बेकरार होके वांग वैशना फेरियां पा रही है, बल दियां लाटा तो वला बुझा लेंगी, चुंजा पर पर जो पानी दियां पा रही है, नी पगली जात दी हो के कोड़ किरली, जफे नाल छतीरां दे पा रही है। ते पता की आंदी है, सुन वे तोते आ अगल दे आ अन्ने आवे, मैं कोई चिखा दी आग बुझा रही हां, ओदा काम में नार गुलजार करना, किदा किदा ओदा काम में नार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी निभा रही हां, ओदा काम में नार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी निभा रही हां। और सुन वे तोते आ तोता चश्म नहीं मैं, सुन वे तोते आ तोता चश्म नहीं मैं, कारा अपना फर्ज अदा रही हां, इबरा
इब्राहिम दे दर्दियां विच उल्फत मैं ते अपना नामा लिखा रही हां। मेरे भाई मेरे बरादर प्यारे खलील अलैहि सलातो वस्सलाम इज्जत वेख लै, अजमत वेख लै, शान वेख लै, इन्ने इम्तिहाना चो गुजरे ने कदम कदम ते इम्तिहान। या अल्लाह असी दुनिया का निजाम वेखे है, एक स्टूडेंट पेपर देंदा है, इम्तिहान देंदा है, ते इम्तिहान तो बाद उहदा रिजल्ट आउंदा है, आला पोजीशन लैके कामयाब हुंदा है, ते फिर उहनूं मदरसे दी इंतजामिया कोई ना कोई इनाम देंदे ने, कोई ना कोई तमगा देंदे ने। या अल्लाह खलीलुल्लाह जो पास होए ने ते तुसा इनाम की दिता है। और रब्बुल आलमीन दा कुरान दस रहा, अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ बतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इब्राहिम कामयाब होए, पास होए, ए मेरे मालिक फिर इनाम की दिता, फरमाया इन्नी जाएलो का लिन्नास इमामा, मैं अपने इब्राहिम नो लोकां दा इमाम बना दिता है। इम्तिहान लैन वाला अल्लाह, इम्तिहान देन वाला खलीलुल्लाह, ते फिर इनाम देन वाली जात अल्लाह दुल जलाल वाली कराम दिए। हुण शान मैं कहांगा कि शान ते इज्जत ते अजमत एवें नहीं वध जांदी, उहदे वास्ते कुछ कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने। असीं अज नाम लैने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, अज असीं नाम लैने इमाम अहमद इबने हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, नाम लैने। शान बड़ी है, इज्जत बड़ी है, ते इज्जत ते शान एवें मिल गया नहीं, कदम कदम ते इम्तिहान चो गुजरना पिया, ते तां जाके अल्लाह जुल जलाल ने इज्जतां ते अजमतां नाल माला माल फरमा दिता है, तां जाके अल्लाह ने शाना अता फरमाया। मैं कुर्बान जावां जदों जनाबे खलील अलैहि सलाम इन्हां इम्तिहान चो गुजरे, ते एवें ही अज तक भला ना खलीलुल्लाह दा जिंदा, ते हर मजलस दे अंदर, हर महफल दे अंदर जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम दे तज़करे, कुरान दियां आयतां एवें नहीं बन गईयां। ए कुर्बानी करनी है ना तुसा परसों इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, जिन्हें नहीं करनी वह भी इंशाअल्लाह कह दो, इंशाअल्लाह अल्लाह को लेला शेला दे छड़ेगा उन्हें। हाँ जी, शेख मौलाना अब्दुल सलाम हाफिज़हुल्लाह तशरीफ लाया ने, मौलाना फारूक आसम साहब, हाफिज मोहम्मद उस्मान इसहाक साहब हाफिज़हुल्लाह, और दीगर उलमाए किराम माशाल्लाह बड़ी मुहब्बत नाल वस दे मींच आ गए ने, बड़ी हिम्मत है वैसे। अच्छा दुआ करो, हाँ अल्लाह ईद वाले दिन मीह ना पाए, आमीन कह दो। चलो अल्लाह मौसम दुरुस्त फरमा लै, ईद शीद पढ़ लईए, खुले मैदान सुन्नत के मुताबिक, फिर चलो पै भी जाए तो खैर है। इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम शाना ते इज्जतां ते असमतां एवें नहीं, ईद का दिन आ रहा है ते की असीं आने आ, सुन्नतो अबीकुम इब्राहिम, गल ते हौसले दिए उन्हां पुत्र दे गले ते छुरी रखीए। कदी असी कल्यां बह के सोचिया नहीं, कली कदी अंदाजा नहीं कीता, जिन्ना बकरे छतरे लेले घर सांभे होंदे ना, एक ते आवे ना गया मंडियों जाके लै आंदा, एक दिन पहला दो दिन पहला हुंदा, वह भी बंदा पैसे खर्च करके आउंदा, बड़ी अहमियत है उहदी, लेकिन जेड़े लोग छतरे बकरे घर सांभदे ने, आप पालदे ने, कुछ साल छे महीने घर रखते ने, जदों ओदे गले ते छुरी रखते ने, ते अखां चो अथरू डुल पैंदे ने,
जदों ओदे गले ते छुरी रख दे ने अखां चो आंसू निकल पैंदे ने, आंदे ने मैं तेनू पुत्रां दी तरह पालिया से, बच्चियां दी तरह सांभिया से। ओ यार असी बकरे छतरे दे गले ते छुरी रखिए ते अखां डुल पैंदियां ने। उस बाप दी अजमत नू सलाम है जिन्हें पुत्र दे गले ते छुरी रख दीती है। पर अर्श वाले ने भी मुल पा दिता। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे इब्राहिम बस कर बस कर, सोने तू ते ख्वाब भी सच्चे करके वखा दिते ने। या इब्राहिम कद सद्दक तर्रोया इन्ना कजाल का नजजिल मुखसनी। जे रब दी रजा दी खातर बंदा हिम्मत कर जाए, पैरां ते खलो जाए, तो अल्लाह जुल जलाल वली कराम इंज दा ही बदला अपने सारे प्यारे बंदिया नू अता फरमांदे ने। आखरत नू ते जो मिलना है सो मिलना ही मिलना, दुनिया दे अंदर भी अल्लाह उहदी बेहतरीन जजा अता फरमांदे ने। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह सानू सारिया नू किताब सुन्नत दे मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए, और जो कुर्बानियां करन दा असीं इरादा रखने आ अल्लाह इन्हां नू अपनी रहमत नाल कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूब। सारे दोस्त तशरीफ रखो, बाहर बारिश भी हो रही है, उधर नमाज का टाइम भी हो गया। चूंकि 9 बजे जमात होंदी सी, तकरीबन 9 बज गए ने, सिर्फ अजान होगी, उस तो बाद जो दोस्त वुजू करने वाले वो वुजू कर लेंगे, जमात खड़ी हो जाएगी। तो मैं सारे दोस्तों अहबाब का इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि मौसम की खराबी के बावजूद तुसी तशरीफ लियाए, प्रोग्राम अंदर शिरकत की, और खसूसन उलमाए किराम मोहतरम मौलाना शेखुल हदीस हजरत मौलाना हाफिज़ अब्दुल सलाम जाहिद साहब ये हफ्साबाद रोड तो तशरीफ लियाए, साढ़े मोहतरम फाजल नौजवान हजरत मौलाना फारूक कासम साहब इख्याली बाई पास तो तशरीफ लियाए, इस तरह ही मौलाना उस्मान इसहाक साहब फकीरपुरे तो तशरीफ लियाए। मेरी दुआ है कि इन उलमाए किराम का आना भी अल्लाह अपनी बारगाह अंदर मकबूल मंजूर फरमाए। हूँ जिस तरह के पहले मैं अर्ज की है कि खसूसन दुआ करनी है जिले दोस्त अहबाब इस मस्जिद के रौनक बनते ने, इस मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, इस मस्जिद उत्ते पैसे ला रहे हैं। मैं पहले अर्ज की सी बार बार कहने शायद इंशाला उन्होंने अजर व सवाब अंदर फर्क नहीं पेगा, लेकिन हकीकत यह है कि दिलों खुशी है कि मस्जिद ठंडी हो गई है। मैं जो आया ना मस्जिद अंदर तो एक दोस्त कह लगा जी अल्लाह ताला उन्होंने जजा दे जिन्होंने मस्जिद ठंडी कर दी है, नमाज पढ़ते सो पसीनो पसीनी हो जाते स हूँ जो तो नमाज पढ़ने तो पुरसकून नमाज पढ़ने। यकीन जे नमाजी नमाज पढ़ते हैं ये मस्जिद ठंडी करने वाले वास्ते जरूर दुआ कर रहे होंगे, और मैं भी दिलों दुआ करना कि अल्लाह जिन्हों जिन्हों दोस्तों ने ये अंदर हिस्सा पाया और ये ठंडी कर दी है मस्जिद, अल्लाह उन्हों कबर ठंडिया कर दे, अल्लाह उन्होंने दुनिया और आखरत बेहतर कर दे। तो इस वास्ते सारे दोस्त अहबाब नमाज पढ़ के फिर जाना है, और दूसरी बात कि मेहमान नवाजी का इंतजाम है, उस दोस्त वास्ते भी उस आदमी वास्ते भी दुआ करनी है जिस भी बंदे ने ये तुहाडे वास्ते मेहमान नवाजी का इंतजाम किया है, अल्लाह उन्हें दुनिया आखरत बेहतर फरमाए, अल्लाह ताला दुनिया दियाँ और आखरत दियाँ परेशानियों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। हुण अज़ान होगी और अज़ान तो बाद जल्दी जमात हो जाएगी, इस वास्ते जिन्हें दोस्तों वुज़ू करना है वुज़ू कर लो। आओ जी अज़ान के नेक्स्ट